नरसिंहपुर में हुए यूरिया घोटाले को लेकर कलेक्टर की जांच टीम की रिपोर्ट के बाद निजी यूरिया उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण और मार्कफेड सहित विपणन अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इसे लेकर खाद्य विक्रेताओं में भी रोष है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक और उनके साथियों को गुनाहगार मानकर उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं सरकारी संस्थाओं के लोगों पर सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। नरसिंहपुर में इसी साल अप्रैल माह से लेकर जुलाई तक की यूरिया किसानों के नाम पर महज 22 लोगों में बांटती गई। पीओएस मशीन से आधार कार्ड के चलते जिस यूरिया को किसानों को बांटा जाना चाहिए था उन्हें महज 22 लोगों में बांट दिया गया। सरकारी पोर्टल में जब ये खामी पकड़ में आई तो जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने जांच दल का गठन किया। जांच दल प्रभारी उप संचालक कृषि इस मामले को लेकर रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की वजह बता रहे हैं, साथ में यह भी कह रहे हैं कि पूरी यूरिया सही हाथों में किसानों के पास पहुंची है। पर आखिर ऐसा कैसे हुआ, इस प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने सख्त कदम उठाते हुए जिम्मेदारों पर कार्यवाही सुनिश्चित कर दी है। अब चार निजी खाद विक्रेताओं पर आपराधिक मामला दर्ज करने और शेष मार्कफेड के गोदाम प्रभारी और जिला विपणन अधिकारी यशवर्धन सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अनुशंसा की गई है। खाद के वितरण को लेकर जांच कराई गई थी, उसमें चार संस्थाओं के विरुद्ध हायर के लिए लिखा गया है और उसमें जांच करके कार्रवाई हुई। और इसके अलावा भी और भी तंत्र में जो लोग हैं उनके विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई के लिए लिखा गया है और आगे भी इस तरह की जांच जारी रहेगी। ये सीएम हेल्पलाइन में मार्च जुलाई 2020 की समीक्षा हुई थी प्रदेश स्तर में, उसमें नरसिंहपुर जिले को द्वितीय रैंक प्राप्त हुई है। सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं उनमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसमें शिकायतकर्ता का संतुष्टिकरण और शिकायतों का जो निकाल है उससे रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें जो सभी थाना प्रभारी एग्जीक्यूटिव उन्होंने अच्छे काम किया उनको जो इनाम भी दिया जाएगा और जो हमारे शिकायत शाखा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस जिले में करीब 900 मेट्रिक टन यूरिया बांटी गई। यह यूरिया किसानों के नाम पर कम और मार्कफेड सोसाइटी के गोदाम प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके परिजन और अन्यों के नाम पर दे दी गई है। और खास बात ये रही कि किसानों को 2 से 4 बोरी यूरिया जद्दोजहद के बाद मिल रही है, पर यहाँ 22 लोगों को टनों टन यूरिया बांट दी गई है। अब इस मामले में चार निजी उर्वरक विक्रेता और शेष मार्कफेड के गोदाम प्रभारी व विपणन संघ के द्वारा यूरिया को बेचा गया। अब निजी खाद विक्रेता अपने साथियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई और सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर के रवैये को ही दोहरा बता रहे हैं। वहीं इनका साफ कहना है कि खाद की पूरी बिक्री का 20% निजी हाथों से बेचा जाता है जबकि 80% सरकार खुद बेचती है। ऐसे में कार्रवाई में पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना को देखते हुए पीओएस मशीन पर किसानों को यूरिया न देकर दस्तावेज लेकर दिया था। इनकी माने तो आगे खाद बुलाने के लिए पीओएस मशीन पर स्टॉक खत्म दिखाने के लिए उन्हें ही उच्च अधिकारियों ने जल्द स्टॉक खत्म दिखाने के लिए दबाव बनाया था, जिसके चलते ये गफलत हुई है। अब इन खाद विक्रेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें इस मामले से अवगत कराकर बड़ी कार्रवाई ना करने की मांग की है। प्रक्रिया थी, ये पिछले एक साल से ट्रायल ही चल रहे हैं, अभी ये कोई प्रोसेस में नहीं है कि भाई इसके ही जरिए जाएगा, ये फ्यूचर में जाना है कि थम से ही जाएगा और किसान के पास ही जाएगा, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो ट्रायल में ही है अभी, तो ये लगातार अपडेट भी हो रही, किसी का अपडेट नहीं हो पाता तो बेचारे का वो मशीन काम नहीं करती, तो ये अभी ट्रायल में ही है। अभी जो होना सरकारी सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा हम लोग की जैसे रजिस्टर्ड है और एक पूरा का अमला है जो हमको लगातार हमारी निगरानी में रहना चाहिए। पीओएस मशीन जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई, अगर कहीं मानक होती है 50 बोरी से ऊपर भी अगर हमारा सेल दिखता है तो ये हमको पूछ सकते हैं, जो कि नहीं हुआ। अगर होता तो ये चीजें अभी सामने नहीं आती। शासन की दोहरी नीति है, उसमें नहीं होना चाहिए, या तो दोनों पे एक सी कार्रवाई हो या फिर एक पे भी ना, ये हम लोगों का सबका निवेदन है कि ये एक सी कार्रवाई करें या फिर ना करें। और जहां तक मशीन की बात है तो मशीन में कई विसंगतियां हैं, कभी मशीन का सर्वर नहीं चलता है, कभी मशीन का थंब नहीं लेता है। अभी एक मशीन होगी यहाँ पे, वो मशीन स्कैन नहीं कर रही है, कोई भी उसमें डिजिट नहीं चल रहे हैं, ऐसी कई विसंगति, एक मशीन में थंब की प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं मशीनों में जिसके कारण जब किसान खड़ा रहता है उसको यदि मशीन का अंगूठा नहीं लगवाया तो वो गाली देता है उधर कि साहब हमको जल्दी दो।
इस मामले में 900 मीट्रिक टन खाद को पोर्टल पर जिन 22 लोगों को बेचा गया था, मार्क फेट के गोदाम प्रभारी के परिजन, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य लोग थे जिनके नाम पर टनों टन यूरिया वितरण करने की जानकारी पोर्टल पर दी गई है। अब इस मामले में कलेक्टर ने इन सब को दोषी पाते हुए मामले में कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी है। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी यूरिया को लेकर सियासत तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस कलेक्टर की अनुशंसा के बाद मामले की जांच में जुटी हुई है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि इस घोटाले में किसानों के हाथ आखिर क्या लगा और व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की जेबें कितनी गर्म हुई।